देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मौतों ने आखिर क्यों बढ़ाई योगी आदित्यनाथ सरकार की चिंता। पश्चिम उत्तर प्रदेश के करीब 6 जिलों में वायरल बुखार ने पिछले एक हफ्ते में कहर बरसाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें फिरोजाबाद के अलावा मथुरा, कासगंज, आगरा, एटा और मैनपुरी में अब तक बुखार से करीब 50 लोगों की मौतें हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे ही है। सबसे ज्यादा 40 लोगों की मौतें फिरोजाबाद में हुई है, जिसमें 32 बच्चे ही शामिल है। आपको बता दें इन सभी मामलों में तेज बुखार के साथ प्लेटलेट्स की संख्या में अचानक गिरावट के लक्षण देखे जा रहे हैं। फिरोजाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीता कुलश्रेष्ठ ने बीपीसी को बताया, हमने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में व्यवस्था कर रखी है। मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है और बहुत ही जल्द इस बीमारी में मौत हो रही है, खासकर बच्चों की। जिन इलाकों में ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल में शिफ्ट भी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें स्थिति की जानकारी लेने सोमवार को फिरोजाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर को निर्देश दिए कि मेडिकल एजुकेशन टीम से तत्काल जांच कराई जाए ताकि पता चले कि यह बीमारी डेंगू है या फिर कुछ और। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज के बाद मुख्यमंत्री योगी सुदामा नगर भी गए, जहां सबसे ज्यादा इस बीमारी से पीड़ित लोग हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान मीडिया से भी बातचीत की। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे एशिया न्यूज इंडिया रांची।